हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज 31 मार्च है एंड अभी शाम को 5:09 पे एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। उस पूरे न्यूज के बारे में हम देखते हैं। इंडिया टुडे का न्यूज है और इसमें अगर आप देखेंगे आपको पेपर पोस्टपोन के बहुत हाई खबर आपको मिल रहा है। तो पहले हम देख लेते कि ये न्यूज की हेडलाइन क्या है। अगर आप यहाँ पे हेडलाइन देखोगे तो हेडलाइन में क्या लिखा है, महाराष्ट्र नो चेंज इन बोर्ड एग्जाम्स शेड्यूल्स इवन एज द कोविड केसेस कीप इंक्रीजिंग। पहले तो ये हेडलाइन बोला है लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा अंदर लिखा है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र में कितना भी केसेस बढ़े लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज जिससे बोर्ड से ही रिलेटेड सीईटी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे वो चीजें पोस्टपोन नहीं होंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स बताता हूँ जिनके बारे में वर्षा मैडम ने बोला है। यहाँ पे हाईलाइट्स क्या है, अगर आप हाईलाइट्स यहाँ पे देख लोगे, स्टेट गवर्नमेंट फॉर नाउ हैजंट डिसाइडेड ऑन एनी चेंज इन द बोर्ड एग्जाम शेड्यूल। उन्होंने बोला कोई भी चेंज का शेड्यूल नहीं है, ठीक है हम यहाँ तक मान रहे हैं। तीनों हाईलाइट पढ़ के लेना। एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ हैज सेड दैट द स्टेट हैज मेड एन एलैबोरेट प्लान फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया, स्पेशल एग्जाम्स एंड द सप्लीमेंट्री एग्जाम्स विल बी अरेंज इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट। स्टूडेंट्स, आपको याद है पहले बोला गया था कि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होंगे जहां पे स्टूडेंट्स के जो कोविड के थ्रू स्टूडेंट्स थे उनके लिए वो जून में होने वाले थे, जिसके कारण हमने डिसाइड किया था कि आपका रिजल्ट जो आएगा वो करीबन जुलाई तक आएगा एंड सीईटी को बेसिकली थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा। लेकिन अब आपके सप्लीमेंट्री बोर्ड एग्जाम के सप्लीमेंट्री, एंड ये एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड के केसेस भले एक दिन या डेढ़ दिन से कम आए हैं बट स्टिल दी जो काउंट है वो काफी ज्यादा है, तो आगे इसके चांसेस है कि ये ग्राफ वापस इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे पहले इंडिकेट कर दिया गया कि बोर्ड एग्जाम के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स जुलाई एंड अगस्त, मतलब आप देख रहे हैं एक से डेढ़ महीना पीछे चला गया है। तो अगर अगस्त तक आपका बोर्ड एग्जाम होता है तो आप समझ सकते हैं आपकी सीईटी एग्जाम्स जो रहेंगे वो करीबन सितंबर में जाएंगे या एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर भी आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी क्लियर कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है वो जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है वो पोस्टपोन हो रहे हैं जुलाई एंड अगस्त के लिए, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सीईटी इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा तो वो सितंबर तक जा सकता है। तो यहाँ पे वर्षा मैडम ने उसी तरीके से पूरा बताया प्लान। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी आप प्रेडिक्ट मत कीजिए, पहले थोड़ा डिटेल्स में हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल्स में क्या बोला, इवन एज द नंबर ऑफ द कोविड केसेस इज ऑन अ स्टीप राइज इन द महाराष्ट्र द स्टेट गवर्नमेंट फॉर नाउ हैजंट डिसाइडेड ऑन एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ द प्रपोज स्टेट बोर्ड एग्जाम्स ऑफ द क्लास 10th एंड 12th। मतलब अभी के लिए जो 10th एंड 12th उसमें कुछ चेंज नहीं किया लेकिन सप्लीमेंट्री में चेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे, सप्लीमेंट्री को अगर उनको देखो जो अगर अभी का टाइम टेबल पे उनको चेंज नहीं करना था तो सप्लीमेंट्री को क्यों चेंज करते, सप्लीमेंट्री को पहले ही पुश कर दिया गया पीछे ताकि राइट नाउ वाले एग्जाम को भी आप एक डेढ़ महीना पीछे पुश कर सकते हो। नहीं तो होता क्या कि अगर आप अप्रैल के पेपर को जून तक लेके जाते तो लोग बोलते जून का क्या, तो जून को उन्होंने पहले ही पीछे कर दिया जुलाई एंड अगस्त, एंड अब जो अप्रैल का पेपर रहेगा वो आपको कुछ दिनों में ऐसा सुनने को आएगा कि केसेस बढ़ गया तो बोलेंगे उसको हमने मई में कर दिया या जून में कर दिया क्योंकि वहां पे वैकेंट जो टाइम टेबल था वो बन गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके बारे में बताया गया। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और बोला गया है कि इन केस ऑफ द कोविड इन्फेक्शन द स्टूडेंट्स और द फैमिली मेंबर्स और द एग्जामिनेशन सेंटर्स, इनके बारे में अगर कुछ भी ऐसा कुछ आ रहा है मतलब आपके एग्जाम सेंटर्स और ये सब, एडिशनल 15 डेज, जो पहले 15 दिन की बात तो हो ही रही थी बट एडिशनल 15 डेज विल बी प्रोवाइडेड फॉर द सबमिशन ऑफ द स्पेशल असाइनमेंट एंड द प्रैक्टिकल एग्जाम्स। एंड स्टूडेंट ये न्यूज अभी आई है, शाम को आई है, तो इस चीज को भी आप देख लीजिए कि ये बड़े अपडेट्स है। आपकी सप्लीमेंट्री बोर्ड एग्जाम्स जो है वो जुलाई एंड अगस्त तक चले जाएंगे एंड सीईटी जो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा वो सितंबर तक जा रहा है स्टूडेंट। सो प्लीज नोट इट आउट एंड जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज आया है। और एक चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा यूजफुल कमेंट्स आपको एंड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड डेफिनेटली हम रिक्वेस्ट करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आप एग्जाम ऑनलाइन कर दीजिए या पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन कोई भी डिसीजन हो उसको कम से कम आप स्टूडेंट्स में जल्दी बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के एक दो दिन पहले ये सभी खबरें आनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।